मध्य प्रदेश के सागर जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें, प्राचीन काल में ग्रामीणों में शिक्षा की कमी एवं संसाधनों के अभाव में धर्म जागरण मूर्तिकला एवं चित्रकला के द्वारा झांकियों के माध्यम से किया जाता रहा है। करीब 200 साल पहले स्वर्गीय दुर्गा प्रसाद पांडे ने इस मेले की शुरुआत की थी। वहीं इस बारे में पंडित ने क्या कहा, देखिए ये रिपोर्ट। ये तो इसमें केवल कृष्ण लीलाओं का ही दर्शन होता है। हमारे पिताजी बनाते थे और हमारे पिताजी के पिताजी, इनका नाम था दुर्गा प्रसाद पांडे, उन्होंने इस परंपरा को शुरू किया था। और वे केवल मिट्टी की मूर्ति जाना बनाते थे, हमारे पिताजी पेंटिंग करते थे उन पर रंग रोशन। तो उनने और ज़्यादा उसमें दक्ष लिया और बहुत ज़्यादा विस्तार बनाया उन्होंने। वाकई में ये बहुत अच्छी बात है कि शिक्षा के लिए इस तरह से मेले का आयोजन किया गया। SPN9 न्यूज़ रूम से राहुल की रिपोर्ट।